सो गाइज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, यदि आप रियलमी C33 स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से, जो कि दोस्तों आप परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर ने मुझे ये कमेंट किया था कि परमजीत भाई, जैसे मैं बुकिंग करने जाता हूँ रियलमी C33 तो दोस्तों वहाँ पे कमिंग सून बताता है, तो इस टाइप से मुझे कमेंट किया था कि यहाँ पे मेरे से बुकिंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको इसलिए बुकिंग दोस्तों आपसे नहीं हो रहा था क्योंकि दोस्तों इसका सेल खत्म हो चुका है और इसका भाई सेकेंड सेल फिर से डेट आ चुका है, जो कि मैं आपको लाइव प्रूफ साथ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऐप में आ जाना होगा। आपको यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे सर्च बार में यानी ऑप्शन में क्लिक करना होगा रियलमी C33। ठीक है, तो जैसे ही रियलमी C33 करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बता रहा है कि नेक्स्ट सेल बैक ये दोस्तों यहाँ लाइव प्रूफ साथ यहाँ पे देखिए भाई कि नेक्स्ट सेल बता रहा है कि 16 सितंबर से बुकिंग कर सकते दोपहर के 12 बजे से। अगर जिसका बजट है 910,000 रुपये, उसके लिए भाई ज़बरदस्त स्मार्टफोन है रियलमी C33, जो कि आपको HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर 1,000 रुपये तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो बना के, मैं आपको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो गया, अगर आपको कोई भी जुड़ी, अगर आपको कोई भी समस्या हो गया तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए 16 सितंबर से सेल का लाभ उठा सकते दोपहर के 12 बजे से। तो यहाँ पर आपको चार कलर में मिले, यानी तीन कलर मिलने वाला, सॉरी दोस्तों तीन कलर मिलेगा, ब्लू कलर मिलेगा, एक आपको यहाँ पर गोल्ड कलर मिलेगा और यहाँ पर व्यू ऑल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर एक ब्लैक कलर मिलेगा। इस टाइप से आपको अगर आपको चारों यानी तीनों कलर में से जो भी आपको यहाँ पे तीनों कलर में से अगर आपको जो भी पसंद यानी लग रहा है तो अपने एंड से बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कब से सेल है, तो 16 सितंबर से बुकिंग कर सकते दोपहर के 12 बजे से। आज हो गए कितना तारीख, आज हो गए 14 सितंबर, तो आप वेट कीजिए आज और कल, यानी दो दिन आप वेट कीजिए। जैसे ये 16 सितंबर होगा तो आप दोपहर के 12 बजे से आप ट्राई करना, आपको यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। कौन सा ऑफर मिलेगा आपको बता ही चुका हूँ भाई कि HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे आपको 1,000 रुपये तक आपको ऑफर मिल जाएगा। तो 4GB 64GB प्राइज है 10,000 रुपये, जो कि आपको 9,000 रुपये में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से भाई 9,000 रुपये में बेस्ट स्मार्टफोन है, जो कि भाई रियलमी C33। अगर आपको परचेस करना है तो आप यहाँ पे परचेस कर सकते 16 सितंबर से। तो स्पीकेशन भी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 4GB 64GB आपको यहाँ पे रियर कैमरा मिलने वाला 50 मेगापिक्सल, फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल में, डिस्प्ले साइज भी आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगा, बड़ी बैटरी मिल जाएगा, कैमरा भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, प्रोसेसर भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 9,000 बजट है तो आप इसे स्मार्टफोन को परचेस कर सकते फ्लिपकार्ट से, जो कि 16 सितंबर दोपहर के 12 बजे से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ, अगर आपको फ्लिपकार्ट जुड़ी से कोई भी मोबाइल से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर हेल्पफुल करूंगा। ठीक है, तो चार आपको तीन वेरिएंट मिलेगा और आपको यहाँ पर चार प्राइज में आपको मिलेगा। ठीक है, एक आपको 9,000 में मिलेगा 3GB 32GB, एक मिलेगा आपको 10,000 में 4GB 64GB। ठीक है, तो ये दोस्तों 9,000 रुपये का स्मार्टफोन है, जो कि 3GB 32GB, जो कि आपको यहाँ पे 8,000 रुपये में ये स्मार्टफोन मिल जाएगा। अगर आपका 10,000 रुपये का अगर आप परचेस करते हैं 4GB 64GB तो आपको यहाँ पे 9,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है भाई 1,000 रुपये ज़्यादा लगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 4GB 64GB ले लो। ठीक है, 3/32 मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको रैम स्टोरेज अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप 4GB 64GB लो। 1,000 रुपये लग रहा है लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 10,000 रुपये लगा के और 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है। तो 9,000 रुपये लगा कर भाई 4GB 64GB लो। ठीक है, 3GB 32GB मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि भाई इसमें रैम कम मिलेगा, इसमें रैम ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आपको बेस्ट रहेगा, जितना रैम उतना बड़ा आपको बेस्ट रहेगा, स्टोरेज बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको मोबाइल हैंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो देना था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ना। चल दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।